दोस्तों, कल जैसे कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस डे है, फेड का मीटिंग जो है कि आज शाम को है यानी यूएस में होगा, और उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट के ऊपर होगा। वो क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। और कल जैसा और एक इम्पोर्टेंस इवेंट है, वीकली एक्सपायरी जो कि फ्यूचर ऑप्शन का होता है, तो वो एक्सपायरी में मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 3 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और इसी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग जो कि बात करते हैं फेड मीटिंग की, तो मैं आपको investing.com के ऊपर लेके जाता हूँ। तो फेड मीटिंग का असर हमारे मार्केट के ऊपर कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो अगर आज का मार्केट देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव था, तो वो फेड का एंटिसिपेशन भी होगा। तो कल जैसे कि आज फेड का मीटिंग होगा रात को, और वो वहां पे यूएस मार्केट भी जो है कि ये करेगा, असर करेगा, और उसके बाद हमारा मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है उसके वजह से। फिलहाल फेड के बारे में क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। तो आज जैसे कि शाम को यानी अपना नाइट में 12 बजे जो है कि फेड का जो है कि डिक्लेरेशन होता है इंडियन टाइम के ऊपर। करंट फेड का इंटरेस्ट रेट है 3.25 और एक्सपेक्टेड है कि 0.70 BPS जो हम लोग बोलते हैं 0.75 ये बढ़ जाए और वो होगा 4%। तो ये एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर अगर इतना ही बढ़ता है तो मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये नेगेटिव हो सकता है। तो शाम को ये रिजल्ट आएगा यानी रात को 12 बजे, तो हमको कल मॉर्निंग में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये फेड का डिसीजन है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मॉर्निंग में भी देख सकते हो कि अपना मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन क्या ये चार्ट के ऊपर भी क्या अधिकार है मार्केट और उसके क्या लेवल्स है हम लोग चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, चार्ट के ऊपर भी जो कि फेड का जो इम्पैक्ट होता है वो दिखता है। और जैसे कि आज मार्केट जो है कि कल कल का क्लोजिंग से नीचे आके क्लोज हुआ है, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। क्या ये नीचे जा सकता है या इसके ऊपर कुछ पैटर्न बन रहा है? अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पूरा चार्ट रीड करें, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखता होगा। यहाँ पे थोड़े लाइन ज्यादा है, लेकिन क्या करूँ, ये लाइन जो है मुझे रखने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ की इंपॉर्टेंस होते हैं और याद भी रहते हैं जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और आपको भी ये यूज हो जाएंगे। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था ये कल, और जो आज का अगर आप लो देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि ये लोग को ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया, जैसे होता है ना कि ब्रेकआउट रिटेस, और आज के हाई के ऊपर अगर ये निकलता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है यानी आज के हाई के नीचे जाता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। क्यों? जैसे कि आज का जो कैंडल बना है अगर हम लोग देखेंगे तो एक डोजी था और इसको इसने एंगल्स किया है, तो ये बेरिश एंगल फिल कैंडल है, और एक रैली के बाद बेरिश एंगल फिल थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है। तो हमको दोनों तरफ सोचना है, यानी कि मार्केट जो है कि आज का लो ब्रेक करता है तो ये 2 दिन का लो हो सकता है, ये ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। आज का हाई ब्रेक करेगा तो 2 दिन का हाई होगा और वो ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है। और इवन के बाद कभी भी मार्केट कल का लेवल के आसपास नहीं खुलता है, वो तो गैप अप और गैप डाउन खुलेगा, तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे होगा। 18175 जो आज का हाई बना था वो ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली 18348 का लेवल यहाँ पे आता है। 18200 जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि एक रेजिस्टेंस है, और नीचे जैसा कि आज का लो लगभग बना था 18049 वो लेवल है, उसके नीचे डायरेक्टली 17913 ये अपना लेवल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट तो हो सकता है मार्केट में, डायरेक्टली गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है, और वो गैप अप और गैप डाउन एक लेवल पे होता है तो वहां पे क्या रिवर्सल ट्रेड ले सकती है कि वो देखना है। हम लोग इंट्राडे देखने के पहले देखेंगे कि ऑप्शन चेन के ऊपर क्या पोजिशन बने, वो भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर जाके। तो दोस्तों, हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ये जो है कि 3 नवंबर का यानी कल का वीकली ऑप्शन जो है एक्सपायरी उसका है। हम लोग एटीएम के यहाँ पे जाते हैं एटम मनी के आसपास 18100, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेवल है यहाँ पे नजदीक है। अगर हम लोग 18100 यहाँ पे अभी करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि कॉल साइड में यहाँ पे कॉल साइड है, तो कॉल साइड में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट, और यहाँ पे पुट साइड है, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे और कॉल साइड में रेजिस्टेंस। तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो नजदीक ही यहाँ पे देखिए 18200 का जो लेवल है, यहाँ पे 148
जो है कि ओपन इंटरेस्ट है 1,48,000, जो करंट यहाँ से नजदीक एरिया में ज्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज्यादा है। तो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो देखते हैं, यानी 18,200 यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑप्शन चेन में है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस से पहले हम लोग पहले वाला रेजिस्टेंस आता है और ज्यादा क्वांटिटी रहता है वो देखेंगे। अगर नीचे हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो जो सपोर्ट है जो कि राउंड फिगर का 18,000 का 1,51,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे थोड़ा कम भी हुआ है। तो ये 18,000 एक राउंड फिगर भी है, अगर कल 18,000 ब्रेक होता है तो यहाँ पे ज्यादा निगेटिविटी भी दिख सकती है। अगर हम स्ट्रेटेजी करना चाहते हो तो 18,000 का पुट और 18,200 का कॉल सेल करके आप स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो। और जैसे कि आईवी देखिए कि आईवी यहाँ पे बड़ा हुआ है, यहाँ पे आईवी बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क हो सकता है, राइट। 18,000 का पुट और 18,200 का कॉल सेल कर सकते हो। बाय द वे कभी बड़ा मूवमेंट हुआ यानी 18,000 ब्रेक होता है, 18,200 ब्रेक होता है, तो बड़ा मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आई होप कि आप समझ गए जो आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे कल से कल ट्रेड करना है और बहुत इंपॉर्टेंट डे, तो यहाँ पे संभल के भी ट्रेड करना है। हम लोग चार्ट पे जाते हैं और 5 मिनट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी के क्या लेवल्स है। दोस्तों हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं यहाँ पे निफ्टी में क्या लेवल्स है। निफ्टी जो ओपन हुआ तो यहाँ पे कल का हाई के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, जो अपने लेवल थे उसके नीचे नीचे गया और थोड़ा सा डाउन साइड में ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि अपने लेवल कल का जो ए था सपोर्ट था, आज आपको रेजिस्टेंस है 18,102 के ऊपर, 18,102 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए 18,049 के नीचे जाता तो हम लोग सेल करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई वाला लेवल, मिड वाला लेवल और लो वाला लेवल, अपने तीन ही लेवल बहुत अच्छी तरह वर्क हो गए यहाँ पे निफ्टी पे। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाइक दे दो और वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ आप। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा था कि निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आज नेगेटिव गया निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव था क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया तो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो ये नेगेटिव होता है। और बैंक निफ्टी ओपन है सेम यहाँ पे था और कल का लो के थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस है। अभी नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा कि आज का लो जो है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा, 41,050 के नीचे यहाँ पे नेगेटिविटी हो सकता है। और यहाँ पे मेजर लेवल जो है कि 40,827 ए वाला लेवल है, अगर इसके नीचे जाता तो ज्यादा डिजास्टर हो सकता है। तो कल इवेंट है तो गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है। बैंक निफ्टी को पॉजिटिव लेवल जाने के लिए 41,487 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम लोग सोचते हैं कि ए पॉजिटिव फिर से जा सकता है अगर कल का इवेंट के बाद। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे कि सेल बिलो हमने दिया था उसके भी नीचे गया था। अभी एक्चुअल बैंक निफ्टी का जो लेवल रहेगा जिसमें जिसके नीचे आपको सेल करना है 41,050 के नीचे तो हम लोग सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम लोग डेली का लेवल देखेंगे 41,171 जो कि ये लेवल है उसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जैसे कि आपको कल कॉल दिए थे, तो जैसे कि आज मार्केट जो है कि नेगेटिव था तो जो बाइंग वाले कॉल इतने अच्छे वर्क नहीं हुए। अगर आप अडानी पोर्ट में देखोगे तो ये ओपन ऊपर होके नीचे आया और ओपन हाई सेम है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव कॉल दिए तो करने, मार्केट नेगेटिव और पॉजिटिव कॉल दिए तो थोड़े अवॉइड करने हैं। लेकिन उसमें से टाटा मोटर्स है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्क हो गया, थोड़ा ऊपर भी गया था। टाटा मोटर्स में जिनको भी जैसे मैंने डिलीवरी का है तो जिनको रखना है, तो ये जो बड़ा कैंडल है उसका लो का टॉप लॉस करके रख सकते हैं, या अगर आप डिलीवरी लॉन्ग टर्म है तो 390 का टॉप लॉस करके टाटा मोटर्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। भले ये इंट्राडे में आज ज्यादा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ की मार्केट नेगेटिव था। तो हम लोग कल के लिए क्या देखेंगे, एक बाइंग का कॉल देखेंगे और एक सेलिंग का देखेंगे क्योंकि कल भी इवेंट बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पहला स्टॉक है यहाँ पे SLTech। SLTech में अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ा करके तो एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से इसने बेरी सिंगल फिट कैंडल बनाया। 1043 के नीचे जाता तो हम लोग सेल करेंगे, 1024 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। दूसरे हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे तो वो है MGL। यहाँ पे MGL एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है और यहाँ पे ब्रेक करने का सोच रहा है।
एमजीएल में हम लोग बाय करेंगे 884 के ऊपर, और उसका पहला टारगेट होगा 906 का पहला टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, इवन टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आपने ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। आने वाले 14 तारीख से हमारे एक जो है कि लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हो रहा है, ऑफलाइन है ऑनलाइन भी दोनों भी ऑप्शन है। लाइव में आप मेरे साथ फेस टू फेस यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।